तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। और आज का ये व्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ कि भाई जो मैंने अभी लास्ट टाइम जो अपने एमटी में जो एग्जॉस्ट लगवाया था एक्रा का हेक्सागन, मैं उसका जो इंस्टॉलेशन था उसके बाद जो बाइक में अगर कोई माइलेज में कोई कमी आई हो या कुछ उसके बाद का मतलब जो भी कुछ हुआ होगा मैं सब कुछ आज इस वीडियो में आपके बताऊँगा। और जो भी कुछ रिव्यू होगा मैं इसकी माइलेज से लेके अगर इंजन पे कोई इफेक्ट या किसी भी चीज़ से लेके कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम मेरे को आई है तो मैं सब कुछ आज आपको बताऊंगा। और अपनी बाइक में जितनी अभी तक की मैंने मॉडिफिकेशन कराई हुई है मैं सभी एक एक करके आपको दिखाऊंगा भाई। तो चलिए, तो गाइज ये है अपनी एमटी, अपनी रानी। और इसका अगर मैं मॉडिफिकेशन की बात बताऊँ तो भाई मैंने एक तो इसमें टेल्ट आई डी लगवाई हुई है, वो अभी नंबर प्लेट मैंने अंदर की हुई है। और ये भाई मैंने एक्रा का हेक्सागन एग्जॉस्ट लगवाया था जो कि एमटी में ही मोस्टली सभी लगवाते हैं एमटी में ही भाई, क्योंकि इसमें क्या है एक डीवी कलर आता है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि भाई अगर किसी को बाहर कहीं फैमिली के साथ या कहीं वैसे जाना हो बाइक पे तो आप सब उस डीवी कलर को लगा के इसकी आवाज़ को कम कर सकते हो। और डीवी कलर हटाने के बाद तो भाई इसकी आवाज़ भाई क्या ही बस बताऊं, कोई वर्ड ही नहीं है, बहुत अच्छी आवाज़ लगती है इसकी भाई। मैंने इसमें भाई इसकी आइज़ करवाई हुई है, ठीक है, इंडिकेटर चेंज है मेरे, ठीक है, और इसमें हजार्ड सिस्टम लगवा रखा है भाई मैंने इंडिकेटर का, ठीक है। और जो ये मेरा एक्रा का जो एग्जॉस्ट है इसकी मैं आवाज़ आपको सुनाऊँ, अभी भाई इसको न्यूट्रल कर देते हैं। और न्यूट्रल के बाद इसकी जो आवाज़ मैं आपको सुनाऊं भाई, तो गाइज आप लोगों ने अभी सुनी भाई एग्जॉस्ट की साउंड कितनी बढ़िया प्यारी आवाज़ लग रही है, बहुत ही दमदार आवाज़ के साथ भाई निकल के आ रही है अभी। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में लगवाया था उस टाइम तो थोड़ा मेरे को साउंड थोड़ा कम फील हो रहा था, लेकिन अभी कुछ चलने के बाद जो इसका जो साउंड फील हो रहा है ना मेरे को लगवाए हुए करीबन भाई 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक भी इसमें किसी भी तरह की जो माइलेज वगैरह का कुछ भी डाउन मेरे को देखने को नहीं मिला है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका माइलेज, ये आप देख सकते हो इसकी माइलेज का 33, जैसे कि आपने देखा भाई 33 शो कर रहा है। मैंने अपनी इससे पहले एक साल पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको दिखाया था भाई 35 शो कर रहा था। और उस टाइम से अभी तक क्योंकि ये लोकल में ज़्यादा चलती है और अभी बारिश की वजह से भाई पानी भर जाता है हर जगह, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये एवरेज डाउन आई है। बाकी इसकी वजह से किसी भी तरह की एवरेज पर कोई कमी नहीं आई है भाई, और ना ही कोई किसी तरह का इंजन पे कोई इफ़ेक्ट आ रहा है भाई, ठीक है, और वो ही पहले जैसी हर तरह की माइलेज है। और मतलब आप कुछ भी कहो कि किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं आया ना इंजन पे ना किसी चीज़ पे, ठीक है। और साउंड तो भाई आपने सुनी ली, ठीक है, और कुछ दिखाऊं जैसे कि मैं आप भाई मैंने इसमें व्हील कप लगाए हुए हैं हाफ़ वाले, ठीक है, हाफ़ व्हील कप लगवाए हुए हैं और इस पर मैंने भाई स्क्रैच की वजह से लैमिनेशन कराई हुई है बिल्कुल वाटर वाली। तो भाई मैंने अपनी पूरी मॉडिफिकेशन की चीज़ें आपको बता दी है कि मैंने अभी क्या क्या कराया है। बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ इसमें कि 1 या 2 दिन में इसमें करोल बाग वगैरह कहीं जाके इसमें अभी R1M वाला एग्जॉस्ट मैं लगाने की सोच रहा हूँ, उसको इंस्टॉल कराने के बाद मैं आपको इसकी साउंड सुनाऊँगा इसमें ज़्यादा अच्छी है या उसमें ज़्यादा अच्छी होगी, मैं दोनों चीज़ें आपको कंपैरिजन में बताऊंगा, ठीक है। और बाकी देखते हैं कि किस में ज़्यादा आवाज़ आती है और
साउंड को लेके। अभी वहाँ पे हम और भी अगर जाएंगे तो और भी कई तरह के एग्जॉस्ट लगा के सेट करूँगा भाई। बाकी डीबी कलर वाले मैं इसीलिए ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ भाई अपने लिए, तो कि मेरे को कहीं बाहर वैसे जाना होता है, कई बार वहाँ पे हो जाता है कई बार किसी तरह का लफड़ा, तो उसकी वजह से भाई मेरे को डीबी कलर लगाना पड़ता है, ठीक है। बाकी अगर अपनी अपनी इच्छा है भाई, कोई किसी भी तरह का लगवा सकता। मेरे को मैंने मोस्टली देखा कि भाई एमटी में एक्रा का ही लगाते हैं सभी, ठीक है। एक्रा का थोड़ा अच्छा होता है भाई। और गाइज अब मैं इसके ये चारों इंडिकेटर एक साथ जला के आपको दिखाता हूँ भाई। गाइज ये देखो इंडिकेटर भाई चारों बहुत प्यारे लगते हैं भाई। ये फ्रंट और ये बैक बहुत ही प्यारी लुक आ रही है भाई। और एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाने के बाद तो भाई अलग ही लेवल की बाइक निकल के आई है। तो गाइस अब मैं इसके बाद जब इसमें R1M वाला जो इंस्टॉल करवाऊंगा एग्जॉस्ट, और ये वाला जो मैंने अभी करवा रखा है, दोनों की मैं वीडियो एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा डाल के, ठीक है। और R1M वाला भी मैं एक बार चेक करूंगा, ठीक है, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो चैनल के साथ भाई बने रहिए, देखो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। You say never let